हाँ जी स्टार्ट करें। हाँ जी, तो आज हम अपने क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल एक नए चैप्टर नंबर 1 यूटिलिटी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर आप एक इकोनॉमिक्स की पिक्चर भी देख रहे हैं, तो सन 1723 में एक शख्स का जन्म होता है और वो शख्स आज एक मॉडर्न इकोनॉमी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमी के फादर या फिर मॉडर्न इकोनॉमी के फाउंडर भी उन्हें कहते हैं। उनका नाम है एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। इनका आपके सिलेबस से क्या रिलेशन है और इनसे रिलेटेड एक टॉपिक आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, वो क्या क्वेश्चन है? आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे कि एक बार बताइए कि आप अपने घर में आसपास सभी चीजों को अगर आप देखते हैं, तो आपकी कोई चीज आपको अपने घर में महंगी नजर आएगी, कोई चीज आपको आपके अपने घर में सस्ती भी नजर आती है। सबके रेट एक जैसे नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं खाने का वो सामान, उसका प्राइस कुछ और है, खाने का ये सामान, इसका प्राइस कुछ और है, ये फर्नीचर का प्राइस कुछ और है। मतलब घर में आप अपने चारों तरफ नजर मारेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हर एक चीज का प्राइस अलग अलग है। तो मुझे ये आपसे पहले जानना है, मुझे आपसे आज ये समझना है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किस चीज का प्राइस ज्यादा होगा और किस चीज का प्राइस कम होगा, ये किन बातों है बताइए जरा। फिर से मेरा क्वेश्चन है आपसे, वॉइस इशू नहीं, वॉइस इशू तो नहीं है। हेलो, नहीं ठीक चल रहा है, वॉइस तो ठीक चल रहा है। अनुसर की क्लास में भी होता है क्या वॉइस इशू, बच्चों कंप्लेन? अब वॉइस ठीक है? सचिन अरोड़ा कह रहे हैं नो वॉइस, ठीक है जी। हाँ जी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि आप अपने घर में, आप अलग अलग जगह पर, आप अपने घर में अलग अलग चीजों को आप देख पा रहे हैं, तो उनमें किसी चीज आपको महंगी है, कोई चीज आपको सस्ती में नजर आ रही है। तो मेरा सवाल यह है कि किसी चीज की प्राइस किन बातों पे डिपेंड करता है? तो आप आंसर करेंगे कि सर ये उसके यूजफुलनेस पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो ज्यादा यूजफुल में रहता है उसकी कीमत ज्यादा होती है, जो ज्यादा यूजफुल में नहीं है उसकी कीमत कम होती है। तो कहीं ना कहीं गुड्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कौन सी गुड्स हमें कितना सेटिस्फाइड करती है, इन बातों पे डिपेंड करता है कि जो ज्यादा सेटिस्फाइड करेगी, जो ज्यादा यूजफुल में हमारे होंगी वो चीजें महंगी होंगी, जो कम यूटिलाइज होंगी हमारे लिए जिस चीज की वो चीजें सस्ती होंगी। तो यूजफुलनेस पे, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है उसकी प्राइस। अगर आप ऐसे अपनी राय बना रहे हैं तो चलिए फिर मैं आपके इस राय को अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए कंसिडर करता हूं। तो आप मुझे एक बार बताइए, मैं दो वर्ड ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं मैं वाटर, एक ले रहा हूं मैं डायमंड। अगर मैं यूजफुलनेस की बात करता हूं, ये बात पहले एक तरीके से चलती आ रही थी ओल्ड इकोनॉमी में, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमी में एडम स्मिथ ने इस सवाल के जवाब में अपना एक सवाल खड़ा कर दिया। सभी इकोनॉमिस्ट यही कह रहे थे कि गुड्स कमोडिटी के यूजफुलनेस पे, उसकी यूटिलाइजेशन पर, वो सेटिस्फाइड करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी गुड्स एक्सपेंसिव होगी और कौन सी गुड्स सस्ती होगी। सभी इकोनॉमिक्स ये कह रहे थे, लेकिन एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, इन्होंने कहा अगर ऐसा ही है तो सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड करने वाली चीज वाटर है, पानी। बहुत यूज करते हैं, पूरे दिन हम उसका यूज करते रहते हैं। और सबसे कम यूज होने वाली चीज डायमंड है, जिसको तो नहीं हम पहनते हैं, मतलब पहन भी ले तो शौक के लिए पहना, ना भी पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको खाते भी नहीं, उसको पीते भी नहीं है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज वाटर है और दुनिया की सबसे कम यूज होने वाली चीज डायमंड है। तो अगर आपके हिसाब से, सुमित कहते हैं कि आपकी थ्योरी के हिसाब से, तो दुनिया की सबसे महंगी चीज पानी होनी चाहिए और दुनिया का सबसे सस्ता सामान क्या होना चाहिए? डायमंड होना चाहिए, हीरा होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो जो हम सोच रहे थे, जो प्लान कर रहे थे पहले हमारे जो ओल्ड इकोनॉमिस्ट, वो तो बात गलत साबित हुई हुई ना।
तो अब इस चीज के खोज में लग गए इकोनॉमिक्स कि फिर ये किन चीजों पे डिपेंड करता है कि किसकी प्राइस ज्यादा होगी और किसकी प्राइस कम होती है। ज्यादा कम तो होती है लेकिन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि ये चीजों कौन सी चीज कितनी अवेलेबल है उसकी सप्लाई पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा अवेलेबल है, एग्जाम्पल के लिए पानी से भी एक ज्यादा जरूरी, हवा हवा तो फ्री में ही है बिल्कुल, पानी का चलो बिल भी भरते हैं हम, है ना, मार्केट से पानी खरीदते भी हम, लेकिन हवा तो वो भी नहीं खरीदते। बाहर जाओ तो आपको कहीं पर भी आप जाओ बाहर आपको हवा फ्री मिलता रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अवेलेबल क्या है, एयर, हवा। तो जो चीज जितनी ज्यादा इजिली आपको मिल जाएगा, जितनी ज्यादा अवेलेबल है, वो उसके प्राइस उतने ही कम रहती है। जो चीज अनलिमिटेड है वो चीज फ्री में रहेगा आपके लिए, और जो चीज रेयर है उसकी प्राइस ज्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं प्राइस इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी चीज आपके कितने यूज में आ रही है। प्राइस इन बातों पे डिपेंड करता है कि किस चीज की एबिलिटी कितनी है। जो चीज ज्यादा अवेलेबल है वो प्राइस में कम रहेगा, और जो चीज कम अवेलेबल है, रेयर है, वो प्राइस में ज्यादा रहेगा। इसलिए तो अगर पेट्रोल और वाटर को कंपेयर करोगे आप, तो पेट्रोल वाटर कंपेटिवली कम है, तो इसलिए पेट्रोल वाटर से महंगा है। लेकिन ज्यादातर तो यूज हमारे लिए पानी का ही है ना, पेट्रोल से ज्यादा यूजफुल है ना हमारे लिए पानी, समझे इस चीज को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विरोधाभास कहते हैं कि डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स। विरोधाभास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स। तो ये जो थ्योरी चलती आ रही थी उसके विरोधाभास, उसका ये बिल्कुल उल्टा था ये एग्जाम्पल। तो डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स बोलते हैं उसको आप। तो मेरा क्वेश्चन ही क्या है, एक्सप्लेन द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। इसने क्या करा, इसने थ्योरी को ही पलट दिया। समझे या नहीं समझे, क्लियर है भैया। स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से प्राइस वेरी करती है, बिल्कुल सही शुभम कह रहे हैं। बुक कौन सी लेनी है जी, बुक कोई सी भी लेनी, जो पीडीएफ दे रहा हूं वही आपको पढ़ना है। ठीक है जी, बिल्कुल सही, आगे बढ़े। तो ये आपको पहले आपको क्वेश्चन मिला, आंसर मिला इसका। अब आपके अगर आप आंसर पे जाते हो तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये इसका आंसर है। फाइनली कहेगा कि स्मिथ प्रपोज दैट इज द वैल्यू वॉज द बिकॉज डायमंड आर द रेयर देन वाटर एंड आर मोर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड सेल। दिस डिटर्मिनेशन इज वॉट इज द डिफाइंड एज द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। फाइनली प्राइस उस चीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज कितनी रेयर है। जो ज्यादा रेयर होगी उसकी प्राइस ज्यादा होगी। अब एक बड़े शानदार क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड हाउ डज इट हेल्प द डेरिवेशन डिमांड कर्व। हो चुका हमारा ये क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, आपके सामने क्वेश्चन ये है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, शो हाउ द डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिन यूटिलिटी। देखिए, जैसे ही मैं चैप्टर आपका एंड करूंगा ना, हर चैप्टर के एंड करने के बाद उस चैप्टर से मैं आपको दो क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आपको वही दो क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना है, और आपके अपने नोट्स ऐसे बनाते चले जाना। कम से कम क्वेश्चन आप एग्जाम टाइम में रिविजन करो, जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, उन दो क्वेश्चन में से मैं आपके पास में एक क्वेश्चन ये लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, शो हाउ द डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिन यूटिलिटी कर्व। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कुछ बातों को आपको समझना होगा, सीखना होगा। मैं वापस इस सवाल पर लौट करके आऊंगा। देखिएगा, मैंने एक आइसक्रीम का कंजम्पशन करा और उससे मुझे एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। बेसिकली सेटिस्फेक्शन लेवल को तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में कि मैं कितना सेटिस्फाइड हुआ हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक असम्पशन ले सकता हूँ कि हाँ भैया, सेटिस्फेक्शन लेवल को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझाने के परस्पेक्टिव से ऐसा असम्पशन लिया जा रहा है। जैसे कि कोई स्टोरी आप मान लीजिए, भगत सिंह के ऊपर मूवी बनती है, तो भगत सिंह तो अभी हम नहीं ला सकते हैं, बट उस स्टोरी को समझाने के लिए किसी और एक्टर से तो काम करवाना ही पड़ेगा। आपको उस एक्टर एक्टर को एज असम्पशन लेकर के मूवी देखोगे तो आपको स्टोरी भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो
बट वो एक एक्टर है, इसकी वजह से वो स्टोरी फेक नहीं हो जाती है, स्टोरी तो रियल ही रहेगी। तो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वो चीज तो बिल्कुल सच्चाई है, वो हमारे जीवन पर लागू होगा, लेकिन उसको बताने के लिए मेरे पास पे मुझे एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि हाँ सेटिस्फेक्शन लेवल को भी मेजर किया जा सकता है, वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, मैंने एक आइसक्रीम का अजम्पशन करा और मुझसे मुझे उससे कुछ एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिला। मान लीजिए मुझे उस आइसक्रीम से जो है 20 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन लेवल मिला, जैसे कि वजन के लिए किलोग्राम बोलते हैं ना, दूरी के लिए किलोमीटर बोलते हैं, समय के लिए आवर मिनट या सेकंड बोलते हैं, ऐसे ही संतुष्टि के स्तर को हम यूटिल्स बोलते हैं, यूटिल्स पे मेजर करते हैं। तो मान लो मुझे 20 यूटिल का मजा मिला, तो जो एक आइसक्रीम से मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, इसको हम जो एक से मिल रहा है इसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, आप इसको इजी लैंग्वेज में सेटिस्फेक्शन लेवल भी बोल सकते हो। तो सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या बोलते हैं, मार्जिन यूटिलिटी। मान लो मैं कोई एक्स कम्युनिटी ही कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे एक्स से कितना आया सेटिस्फेक्शन लेवल, 20 यूटिल, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी इक्वल्स टू 20 यूटिल्स। पहले समझ में आया आपको? और मान लीजिए इसको खरीदने के लिए मैंने कुछ प्राइस तो पे किया होगा, ठीक है, तो मैं इस प्राइस पे कर रहा हूं, मैं एक्स के लिए 5 रुपए, मैं प्राइस पे कर रहा हूं इसके लिए 5 रुपए, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी इक्वल्स टू 20 यूटिल्स, प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 रुपीज, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखेंगे, बात कर रहा हूं मैं 20 अपॉन 5, मतलब कि 5 रुपए में जब मुझे 20 यूटिल मिल रहा है, तो फिर मुझे 1 रुपए में कितने यूटिल मिल रहा है, समझे? तो 1 रुपया में कितना यूटिल मिल रहा है बताइए जरा, 1 रुपया में मुझे 4 यूटिल मिल रहा है। तो जो 1 रुपए में आपको यूटिल मिलता है ना, 1 रुपए में जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी ऑफ एक्स कमोडिटी। पहले आप इनका मतलब समझिएगा क्या है, क्लियर है, समझिए? तो देखिए दोनों चीजें जरूरी हैं, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास में आ जाता है, लेकिन वो तो यूटिल्स में आएगा, लेकिन जब आप पे करते हो, जब आप कीमत चुकाते हो, तो वो तो रुपया देते हो और मजा आपको यूटिल्स में आ रहा है, तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे कि जो मैंने दिया है और जो मैंने रिसीव किया है, इसमें ज्यादा किया या कम किया है? अगर आपको कोई 10 रुपए की जगह 2 किलो दे दे, 2 किलो वजन दे दे कुछ, या 10 रुपए की जगह पर आपको 5 मिनट का समय दे दे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, कि दोनों तो डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो पे करते हैं आप, पैसा मिलता आपको यूटिल्स है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि भैया मेरे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इसलिए जरूरी क्या है, जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल यूटिल्स से मिल रहा है, इसको आप मनी में एक्सप्रेस कर सको, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब आपका 1 रुपए में 4 यूटिल्स आ रहा है, तो कल के दिन अगर आपको 100 यूटिल मिला, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस, कल के दिन 100 यूटिल आपको मिला, तो आप ये तो बोल सकते हो मुझे 25 रुपए का मजा आया है, ये तो बोल सकते हो, जैसे कि 1 तोला सोना इतने रुपए का है, 1 किलो लोहा इतने रुपए का है, वैसे 4 यूटिल 1 रुपया का है, मैंने इस अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 4 यूटिल 1 रुपया का है। तो अगर अगर मैं 100 यूटिल मुझे मिला एक आइसक्रीम, मैंने 20 रुपए दे रहा हूं और 100 यूटिल मिल रहा है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि मुझे 25 रुपए का मजा आया, मैंने 20 रुपए दिया, 5 रुपए का मुझे फायदा ही हो रहा है, अभी मैं कंजम्पशन और करूंगा, अभी मैं रुकूंगा नहीं भैया, क्योंकि जो पे कर रहा हूं ज्यादा मैं रिसीव कर, तो ये मेरे लिए तो अच्छा ही है, समझे? इसलिए क्या करना पड़ता है हमें, मार्जिन यूटिलिटी को इन द टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो क्या समझ में आया आपको, MUM को मनी में अगर एक्सप्रेस करोगे, तो पहले MUX आपको मिले, उसको आप प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे, तो आपके पास में MUM आ जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? जब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कम्युनिटी को उसके प्राइस से डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता लग जाएगा 1 रुपए में कितने यूटिलिटीज आपको मिल रहा है, और उसी को हम MUM बोलते हैं। ये बात पहले आपको समझ में आई, ये टर्म्स क्लियर हुआ? अब मेरा सवाल क्या है, मैं अपने सवाल में वापस लेकर जाता हूँ आपको। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कंज्यूमर एट अ टाइम एक से ज्यादा कम्युनिटी का कंजम्पशन कर रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि किस कम्युनिटी के कितने यूनिट का कंजम्पशन करना है? जैसे मान लीजिए आप समोसे जलेबी और पेप्सी तीनों चला रहे हो एक साथ, तो ये डिसीजन लेते हो ना आप फाइनली एज अ रैशनल कंज्यूमर कि पेप्सी कोल्ड ड्रिंक कितनी पियोगे, समोसे पेप्सी की कितनी यूनिट लोगे, समोसे की कितनी लोगे और जलेबी की कितनी यूनिट्स लोगे, ये डिसीजन आप कि 10 रुपए की जलेबी में 2 समोसे और 1 कोल्ड ड्रिंक छोटी वाली, कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो ना। तो सवाल यहाँ पर यही है कि जब आप एक से ज्यादा कम्युनिटी का कंजम्पशन करते हो, तो आप ये डिसीजन कैसे लेते हो कि किस कम्युनिटी की कितनी क्वांटिटी का कंजम्पशन आपको करना है? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। अब सवाल यह है सर ऐसा क्यों कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ये हम ऐसा क्यों कहते हैं। इक्वी का तो मतलब समझते हो आप इक्वल, अब मार्जिन यूटिलिटी का मतलब समझते हो आप बराबर,
इसका ऐसा क्यों कहते हैं हम इस बात को, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे इसमें। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। सबसे पहले मेरे पास में कुछ तीन तरीके की मैं कम्युनिटी का कंजम्पशन कर रहा हूं। एक कम्युनिटी मेरे पास में कौन सी हो गई, एक कम्युनिटी मेरे पास में एक्स हो गई, एक कम्युनिटी मेरे पास में वाई है और एक कम्युनिटी मेरे पास में जेड है। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं अपनी इनकम भी आपको बता देता हूं कि मेरी इनकम कितनी है। इनकम मैंने बता दिया आपको कि इनकम जो भैया 15 रुपए है। ठीक है जी, खर्च करने के लिए 15 रुपए है। दूसरी बात मैं इनका प्राइस ही बता देता हूँ, प्राइस क्या है। चलिए प्राइस आसान रहेगा हमारे लिए, कुछ भाग वाग करना नहीं पड़ेगा, पॉइंट आएगा नहीं। मैं प्राइस इसका जो है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस एक्स का जो प्राइस है ना मैं मान लेता हूँ 1 रुपीज है। ठीक है जी, 1 रुपए का है। तो अगर 1 रुपए प्राइस है तो कितने यूटिल मिला आपको, 18 यूटिल। तो मतलब 18 रुपए का मजा आ रहा है। समझे नहीं समझे आप, 1 रुपए में 18 यूटिल आ रहा है आपका। प्राइस अगर मैं 1 रुपए रख दूंगा तो जितना भी यूटिल मिल रहा है वो मेरा ऑटोमेटिक मार्जिन यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि मार्जिन यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये होता है 1 रुपए में कितने यूटिल मिल रहा है। चलिए मैंने आपको समझाने के परस्पेक्टिव से आसान करने के लिए प्राइस भी 1 रुपये रख दिया ताकि डिवाइड डिवाइड ना करना पड़े आपको। अब 1 रुपये ले रहे दे रहे हो और जो मिल रहा है आपको वो 1 रुपये मिल रहा है, तो वही आपका मनी के अंदर भी हो गया, वही यूटिल्स भी हो गया, तो डेटा चेंज नहीं होगा। समझे या नहीं समझे, क्लियर है जी। तो चलिए सबका प्राइस 1 1 रुपये रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 1 रुपये प्राइस है, ये भी 1 रुपये प्राइस है। अब एज अ रैशनल कंज्यूमर, एक समझदार उपभोक्ता, वॉइस प्रॉब्लम यहां पर है ना, काफी टाइम से बता रहे हैं बच्चे। चलिए देखिएगा, एक रैशनल कंज्यूमर, अब मुझे एक बार बताइए कि एक रैशनल कंज्यूमर हैं आप। अब जब आप अपने इनकम को आप रैंडमली ऐसे ही खर्च कर देते हैं किसी भी चीज पर, या खर्च करते समय पर आप ऑप्शंस को देखते हैं। अगर आपको एक मोबाइल फोन लेना होता है तो रैंडमली कोई भी फोन आपने बुक कर दिया ऐसे, या उसके लिए आप कम से कम आप अपना पहले बजट देखते हैं, बजट क्या है और इस बजट में क्या क्या ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। आपने मान आपका माइंडसेट है कि मुझे ये वाला फोन लेना है, तब भी आप एकदम से नहीं लोगे, क्योंकि आप सर्च करोगे उस चीज को कि मार्केट में कौन कौन से फोन आ रहे हैं, इससे क्या पता कोई लेटेस्ट अपडेट आया हो, कोई फोन आया हो, कोई दूसरी कंपनी ने कोई डिस्काउंट दिया हो तो इसके बराबर प्राइस आ गया हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपने प्लान भी पहले से कर रखा है मुझे ये कंपनी का फोन लेना है और इस रेंज का लेना है, तब भी आपके पास जब वो बजट बनता है तो आप रैंडमली उस फोन को उठा नहीं लेते हो। आप 1 वीक, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन आप पहले आप सर्च करते हो मार्केट को, आप रिव्यू देखते हो उसका, आप कंपेयर करते हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो बताइए, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हो उसमें आपको जो भी ऑप्शन है उसमें से बेस्ट का आप सिलेक्शन कर पाओ, है ना। मतलब जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिल सकता है उनमें से मैक्सिमम अपने आपको सेटिस्फाइड कर सको। तो एक कंज्यूमर चाहे वो मोबाइल फोन ले, चाहे एक दुकानदार के पास में उसका 1 रुपये चेंज भी रह जाता है और दुकानदार कहता है टॉफी निकाल लो, तब भी वो आंख बंद करके नहीं निकालता है, तभी वो 10 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी लो, जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले। तो एक रैशनल कंज्यूमर अपने गिवन इनकम को इस तरीके से खर्च करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिले, और जब उसको ये रियलाइज होता है, ये एहसास होता है कि भैया ये उसको मैक्सिमम सेटिस्फाइड करेगा और इस बजट में इससे बेटर कोई और है नहीं जो इससे ज्यादा सेटिस्फाइड कर दे, तब वो उस चीज को बाय करने का डिसीजन लेता है। ऐसा ही होता है जी, एज अ कंज्यूमर आप भी तो कई बार बन चुके हैं, क्लियर है जी, ऐसा ही होता है ना, बताइए जरा। तो अब यहां पर भी आपके सामने तीन ऑप्शन है और आप एक एज अ रैशनल कंज्यूमर बिहेव करना। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं 15 रुपए, आपकी इनकम में 15 रुपए डाल रहा हूं कि भैया आपकी इनकम क्या है, 15 रुपए है। और आप एक बात और अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी इनकम को एक साथ खर्च नहीं करते हो। ऐसा हुआ कभी पापा की सैलरी है, पापा ने एक ही साथ उसको खर्च कर दिया, वो पूरा महीना धीरे धीरे खर्च होता है। तो चलिए 15 रुपए को आप 1 1 रुपए करके खर्च करेंगे, ये तय कर लिया हमने। ठीक है, इनकम है 1 1 रुपया करके आप खर्च करोगे। तो चलिए आपके पास में ऑप्शन ये है कि अगर आप एक्स कम्युनिटी को बाय करोगे तो आपको 18 यूटिल्स आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप वाई कम्युनिटी को आप कंज्यूम करते हो तो आपको 10 यूटिल मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट यूटिल्स कम्युनिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल देगा, है ना। जरूरी नहीं है कि गन्ने का जूस भी आपको वही सेटिस्फाइड करे जो कि आपको एक कोल्ड ड्रिंक करे, पेप्सी करे। डिफरेंट चीज तो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल देता है ना। तो इसलिए एक्स का मान लिया कि अगर आप एक्स लेते हो तो एक्स पर आपको कितना मिलेगा,
18। और अगर आप वाई लोगे तो कितना मिलेगा, और अगर आप जेड लोगे तो कितना मजा आएगा, 9 का। ठीक है, तो मुझे वो बता दो आप फर्स्ट रुपया कहाँ खर्च करना पसंद करोगे, बताइए कहाँ पर, एक्स पे। तो सबसे पहले आप कहाँ पे क्या खरीदोगे, आप एक्स खरीदोगे, ये खरीदोगे सबसे पहले। मैंने इस पे 1 नाम डाल दिया ना, पहले आप ये बाय करोगे, फर्स्ट 2 3 4 ऐसे नंबर डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि पहले आप क्या लेंगे, उस ऑर्डर में मैंने नाम डाल दिया। एक्स लोगे भैया, क्यों आपने पहले एक्स से क्यों लिया, आपने वाई क्यों नहीं लिया, जेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको एज अ कंज्यूमर आप एक एक रुपया भी खर्च करोगे तो ये देखते हुए कि आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शनेबल मिले, मानते हो इस चीज को। वैसे एक बात बताओ, मैं क्या इसको मार्जिन यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ, इसको मैं ये बोल सकता हूं एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, क्योंकि प्राइस तो 1 रुपया रखा है मैंने, तो प्राइस रुपए 1 रुपया रखा है तो इसको मैं एम यू एम बी तो बोल सकता हूँ, 18 ही तो आएगा, 18 रुपए का मजा आ रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? तो चलिए एक मजा आया, तो चलिए पहला रुपया तो खर्च हो गया भैया आपका। कॉइन नंबर 2, अब आपको पता है कि अब आपको 18 का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। दोबारा अगर आप आओगे एक्स के पास में तो एक्स तो यही बोलेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी, आपने मुझे पहले ही ऑलरेडी कंजम्पशन कर लिया है, दोबारा मेरे पास में आते हो तो मैं अब आपको 18 का 18 यूटिलिटीज का मजा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कंटिन्यूसली कंजम्पशन करने से नेक्स्ट यूनिट से सर्टिफिकेशनेबल कम होता है। तो जब वो दोबारा आएगा तो 18 का तो नहीं दे पाएगा, 16 के दे पाएगा, समझे? कहीं सोच रहे हो अगला रुपया और डाल के 18 का मजा ले जाऊं, कैसे भैया? जब एक ऑलरेडी आपने कंज्यूम कर लिया है तो आपका कुछ आपके नीड सेटिस्फाइड हो चुके हैं उस चीज से, तो अब आपको वो उतना सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एक ग्लास पानी पी के देखो, फिर अगले ग्लास पानी पी के देखो, दूसरे ग्लास पानी से मैं नहीं कर आपको मजा नहीं आ रहा, आ रहा बट पहले से कम आएगा। तो अब आपके पास अगले कॉइन का ऑप्शन क्या आता है, अगर आप एक्स पे जाते तो क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा, अगर आप वाई पे जाते तो, वाई पे जाते तो कितना मिलेगा आपको, 10, क्योंकि वाई पे तो अभी आपने लिया ही नहीं है, अभी कंज्यूम ही नहीं किया है, वाई पे तो आपको सीधा मिलेगा पहला यूनिट इसका, मतलब वाई पे आपको 10 ही मिलेगा। और अगर आप जेड पे जाते तो 9। तो बताओ आप दूसरा कॉइन कहाँ खर्च करना चाहोगे, दूसरा आप एक्स पर, क्योंकि भैया ये अभी भी ज्यादा है, ये बात समझ में नहीं, इसलिए कह रहा है सेकंड कॉइन से आप ये लोगे, बात समझे नहीं समझे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड कॉइन, थ्योरी में ना यही लिखा हुआ है, आपको लगा था अभी कि इतनी लंबी थ्योरी से लिख रखी है, इसी बात को लिख रखा है बना बना करके, कि फर्स्ट कॉइन कंज्यूमर अगर एक्स पे जाता है तो उसको 18 यूटिल मिलता है, वाई पे जाता है तो इतने यूटिल मिलता है, जेड पे जाएगा इतने यूटिल मिलता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में पहुंचने के लिए वो उसी पे अपना एक्सपेंड करेगा जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, इसलिए वो एक्स कम्युनिटी का कंजम्पशन करेगा, एक्स की फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करेगा। 2 रुपए खर्च हो चुके हैं, अब फटाफट बताएंगे आप कि थर्ड रुपीज कहाँ खर्च करोगे आप, थर्ड, क्योंकि आप अगर आप एक्स पे करोगे तो आपको तीसरा यूनिट मिलेगा, 14 मिलेगा, बाकी उस पर 10, उस पर 9, तो तीसरा भी आप यहां पे खर्च करोगे, समझे? और उसके बाद आप चौथा 12। अब बताइए 4 रुपए तो खर्च हो चुके हैं आपके, है ना? अब बताइए पांचवा कॉइन, पांचवे सिक्के से अगर आप एक्स पे जाओगे तो ये क्या देगा आपको, 8 यूटिल, और यहां पे जाओगे तो, और यहां पे जाओगे तो बताइए पांचवा सिक्का कहां आप देना चाहेंगे, तो आप पांचवा यूनिट आप ये कंजम्पशन करोगे, इसलिए 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, बात समझे? ठीक है जी। और छठा कहां पे लोगे, अगर आप लेते हो तो यहां 8 मिलेगा, यहां 9 मिलेगा, और यहां पर 9 मिलेगा। अब बताओ आप छठा 6 कॉइन कहां खर्च करोगे, इधर भी 9 मिल, ये तो खैर हटा दो, यहां तो आपको 8 ही मिल रहा है, तो यहां पर भी आपको 9 मिल रहा है, यहां भी 9 मिल रहा है, तो यहां पर आप कोई भी आप बाय कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो आप चलिए, आपने कहा खरीदा, 7वां ये खरीद लिया, अगर आप ये भी लिख देते ना 7 तो प्रॉब्लम नहीं होती, समझे? तो आपने कौन सा कॉइन खर्च करा यहाँ पर, 6 कॉइन यहाँ पे खर्च करा, 9 आपका, ठीक है। और बताइए 7वां कॉइन कहाँ खर्च करेंगे आप, अगर ये तो खत्म हो गया, अगर आप यहाँ आते तो 8, यहाँ मिल आओगे तो आप 7 मिलेगा, और यहाँ पर अब आओगे तो 9, तो कहाँ खर्च करोगे 7वां कॉइन, जेड पे, तो अब आपको जेड भी मिल गया। ठीक है, अब आगे बताओ मुझे कि अब आपके पास में 8वां कॉइन कहाँ खर्च करोगे, यहाँ 8, यहाँ भी 8, और यहाँ पे 7, कहाँ खर्च करोगे, इन दोनों में से किसी भी खर्च कर सकते हो, तो किसी भी अगर आप यहाँ 8 लिख दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, समझे? तो 8 यहाँ पर, और उसके बाद आप बताओ 9वां कॉइन यहीं पर जाएगा। अब 10वां सिक्का कहाँ खर्च होगा, यहाँ खर्च करोगे तो 5 यूटिल, यहाँ खर्च करोगे तो 7 यूटिल, और यहाँ खर्च करोगे तो 7 यूटिल, तो कहीं भी खर्च कर सकते हो इन दोनों में से, है ना? तो चलिए यहाँ खर्च कर दिया 10वां सिक्का, और 11वां सिक्का कहाँ खर्च करोगे, और 12वां कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा है, और 13वां,
तेरहवा कॉइन। और चौदहवा, अब देखिए तीनों पे सेम है, तो मतलब क्या हुआ, लास्ट के थ्री कॉइन से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट या सेम 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 मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए कंज्यूमर, अब देखिएगा अगर बात करूं मैं, इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझ में तो आ ही गया है। अब देखिए कंज्यूमर हमने 15 रुपए खर्च करें, क्यों भाई किए ना, तो आप बताइए एक्स की कितनी यूनिट खरीदी उसने, एक्स कम्युनिटी की, एक एक दो तीन चार पांच छह, छह यूनिट खरीदी है नहीं खरीदी उसने एक्स की, समझे। और वाई की कितनी यूनिट खरीदी उसने, एक दो तीन चार पांच छह, और इसी कितनी खरीदी आपने, तीन। तो एक्स कम्युनिटी की 6 यूनिट, वाई कम्युनिटी की 6 यूनिट, और जेड की वो 3 यूनिट खरीदेगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो 15 रुपये खर्च कर रहा, तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहा उसका, अगर आप देखेंगे यहां पर तो इसको आप ऐड कर दो, है ना, 15 रुपये में। ठीक है, मुझे जरा फटाफट आप बताएंगे जरा एक बार, नहीं 15 रुपये खत्म हो गया ना इनकम उसके, वो तो सेटिस्फेक्शन में मिलेगा, बट उसके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। 15 रुपये इनकम थी ना उसकी, 15% लेकिन 15 रुपये उसने इस हिसाब से खर्च करे कि उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और आप किसी और ऑर्डर में खर्च करोगे ना, तो आपको इतना सेटिस्फेक्शनेबल नहीं मिलेगा, मैक्सिमम यही है। करके देख लो, मैंने कैसे खर्च करा, मुझे क्या क्या मिला, 18 मिला, 16 मिला, 14 मिला, 12 मिला, 8 मिला, 5 मिला, 10 मिला, 9 मिला, 8 मिला, 7 मिला, 6 मिला, 5 मिला, और 9 7 5 मिला, 9 मिला, 7 मिला और 5 मिला। अब इनको ऐड कर दो, ठीक है जी, तो आपके पास में क्या आ गया, 7 9 16, 16 और 8 आपका 24, 24 और आपका 6 30 और 4 34, ये 36, 36 और 8 44, 44 और 5 49, 49 और 9 58, 58 और 8 आपके पास में 67, 58 और 8 66, और आपके पास में ये 66 और आपका 7 73, और आपके पास में 79, 94 एंड 99। ठीक है जी, 10, 11, 12, 13, 14, तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल कितना मिला 15 रुपये में उसको, 149 यूटिल्स। आप इस ऑर्डर में मत करो खर्च, आपका जो मन कर रहा है उस ऑर्डर में खर्च करो। क्या आपको 149 यूनिट मिल सकता है, अगर किसी और ऑर्डर में खर्च करते हो तो, आप अगर आप सोच रहे हो कि इसको कम करके इसको बढ़ा देते हैं, तो 3 आएगा तो फिर 5 भी तो जाएगा, समझे, क्लियर है ना। अगर आप सोचो कि चलो यार इसको कम लेते हैं इसको ज्यादा लेते हैं, तो 3 आएगा तो 5 गया, तो नुकसान ही हुआ आपका, 2 तो कम ही आएगा। तो अगर आप किसी और ऑर्डर में कंजम्पशन करेंगे, तो क्या आपको 149 यूटिल्स का सर्टिफिकेशन लेवल मिल सकता है, नहीं। तो 15 रुपए में आपको मैक्सिमम सर्टिफिकेशन लेवल कितना मिल रहा है, क्योंकि आप हर 1 रुपए में आपने ये चीज को मैक्सिमम सर्टिफिकेशन लेवल लिया है, तो 15 के 15 रुपए में उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता आपके लिए, समझे, क्लियर है। तो आप बताइए एक्चुअल में हुआ क्या, ये पता कैसे लगा, कंडीशन क्या है, लास्ट में आप देखें तो इक्वल हुआ आपका लास्ट 3 कॉइन से, 1 2 लास्ट 3 कॉइन यहीं पे खर्च हुआ ना, तो क्या इस 5 को मैं ये बोल सकता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, 5 को ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना एक्स की, और प्राइस इसकी 1 रुपए है, तो मनी में कितना है आपका 5/1। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं इस 5 को भी मार्जिनल यूटिलिटी मुझे वाई से मिल रहा है, और मनी के अंदर देखूंगा तो प्राइस ऑफ वाई करना पड़ेगा। क्या मैं इस 5 यूटिल को किसी को भी बोल सकता हूं मैं मार्जिन यूटिलिटी मुझे जेड से मिल रहा है, और इसके लिए प्राइस मुझे जेड पे खर्च करना पड़ रहा है, तो जो मेरे पास में ये आ क्या रहा है 5/1, 5 ही तो आ रहा है, चाहे वो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, तीनों इक्वल है या नहीं है बताइए। तो जो ये मार्जिन यूटिलिटी है और जो ये मार्जिन यूटिलिटी है और जो ये मार्जिन यूटिलिटी है, तीनों इक्वल है या नहीं है, क्या ये इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है, क्या ये इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है,
ये इक्वी मार्जिन यूटिलिटी है जिससे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। अगर आप लास्ट में ये इक्वल ना करो, आप ये कह दो सर हम ये नहीं लेते, जाओ हम अपना रुपया यहां खर्च करेंगे, तो फिर ये डिफरेंट हो गया ना, मेरे पास में डिफरेंट वन ही हुआ लास्ट कॉइन से, यहां पे 8 मिला और यहां पर 3 मिला, लेकिन आपका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, इतना रहेगा, डाउन हो जाएगा। तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम जब रह सकता है जब लास्ट के सारे कॉइन से, लास्ट के 3 कॉइन से अगर 3 कम्युनिटी कंजम्पशन कर रहे हो, इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल मिले। अगर आप दो, तो लास्ट 2 कॉइन से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल। अगर आप 4 कम्युनिटी पे खर्च कर रहे हैं, तो लास्ट के 4 कॉइन से चारों पर सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के आप क्या होता है, आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। अगर आपने इसमें कम ज्यादा कर दिया ना, तो आप फिर ऐड करके देखो, आपको वो कम रहेगा, समझे। तो ये मार्जिन यूटिलिटी क्या है हमारे पास में, इक्वल है या नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, समझे भाई। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए, सवाल मेरा यही था ना, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, शो हाउ द डिमांड कर्व कैन बी डिराइव फ्रॉम द मार्जिन यूटिलिटी कर्व। ये तो अभी मैं बताऊंगा, मार्जिन यूटिलिटी कर्व से डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है, पिछले क्वेश्चन में अटैच था जब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था, सर पीछा नहीं छोड़ेगा, गारंटीड है, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, कि मार्जिन यूटिलिटी के हेल्प से डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है, वो क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। वो किसी के साथ में अटैच कर देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन अकेला नहीं आता है, पहले इस बात को समझ पाए आप क्या ये, आप देखिए जरा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी स्टेट दैट कंज्यूमर विल रीच द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब मैक्सिमम टोटल सेटिस्फेक्शन व्हेन द मार्जिन यूटिलिटीज ऑफ द वेरियस कम्युनिटी दैट ही कंज्यूम्स आर इक्वल। जितने भी कम्युनिटी को कंज्यूम कर रहा है उससे वो क्या मिल जाए, उसको इक्वल जब मिल जाता है ना सबसे, तो वो फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में मिलता है, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। एट एनी गिवन टाइम अ नंबर ऑफ कम्युनिटीज कंपीट फॉर द लिमिटेड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लियर है जी, समझे। नहीं, जनरली क्या होता है, अगर हम तीन चीजें कंजम्पशन कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं पेप्सी, मुझे एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे लगता है कि यार पेप्सी से भी वही मजा आएगा, लगभग लगभग समोसे से वही आएगा, जलेबी से भी लगभग वही आएगा, तो किसी को तबज्जो देना पसंद नहीं करते हैं, तो उस समय हम डिसाइड कर लेते हैं कि भैया इसकी इतनी क्वांटिटी, जैसे कि मान लो आप एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और दो समोसे खा रहे हो, क्यों, दो कोल्ड ड्रिंक भी पी लो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि यार दो समोसे खाए हैं जितना मजा आएगा, एक समोसे एक कोल्ड ड्रिंक से भी मेरे को उतना ही लगभग लगभग आ जाएगा, अब मुझे लगेगा कि कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा आएगा, तो मैं दो समोसे फिर दो कोल्ड ड्रिंक भी कर लूंगा, समझे। तो जितने भी कम्युनिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, जब सबसे आपको लगता है ना यार सब आपको सब आपके लिए इक्वल हो जाते हैं, देन आप स्टॉप कर देते हो किसी को नहीं कंज्यूम करना, क्लियर है जी। अब यहां पर बस वही जो मैंने आपको पढ़ा है, ये वही चीज आगे आपके साथ में कंटिन्यू चलेंगी, वही एग्जाम्पल है यहां पर, उसी को रिपीट किया है, वही बात आपको कहेगा, द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द 3 गुड्स ऑफर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्पेंडिंग हिज मनी टू द कंज्यूमर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल। तीन डिफरेंट कम्युनिटी है, तीनों डिफरेंट अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप खर्च करो किसी पर भी आपकी मर्जी, लेकिन आप खर्च उस हिसाब से करोगे जिससे कि आपका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, मैक्सिमम का, क्लियर है, तीनों ही इक्वी हैं। तो द कंज्यूमर विल लुक फॉर द बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी फॉर ईच रुपीज ऑफ हिज इनकम। ये बात समझ में आई आपको, कि अपने इनकम का हर एक रुपए में देखेगा उसको बेस्ट कहां पर मिल रहा है। हमें अभी यही तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 1 रुपए खर्च कर रहे थे, तीनों को देख रहे थे हम, ज्यादा जहां पे मिल रहा था हम वहीं पे कह रहे थे भैया यहां खर्च करते हैं, ठीक है। द 3 गुड्स ऑफर 3 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटी फॉर द फर्स्ट रुपीज ऑफ इनकम द कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज द फर्स्ट रुपी ऑफ एनी ऑफ द 3 गुड्स। If he spends the first rupee on X, then he be obtain 18 utils units of utility. If he spend it on Y, then he will get 10 units of utility. And if he spends on Z, then he will get only 9 units of utility. तो उसके बाद वो क्या करता है? Out of these three alternative opportunity for his first rupee, he will choose to spend his first rupee on X and not on Y or Z. क्लियर है। इफ यू एग्जामाइन द मार्जिन यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ द 3 गुड्स केयरफुल्ली यू विल फाइंड दैट फॉर द फर्स्ट 4 रुपीज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्पेंडिंग आर ऑफर्ड बाय द फर्स्ट
फोर यूनिट ऑफ एक्स, ये बात समझ में आई नहीं आपको? तो जो आपने टेबल समझा ना, आपको टेबल को बस लिखना है, कुछ रट्टा नहीं मारना आपने, आप नहीं पढ़ पाओ याद कर पाओगे ये सब। अगर आपने समझा नहीं तो आप ये आप वैसे याद भी नहीं कर सकते हो। क्लियर है जी? तो बस टेबल पे काम करना है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो टेबल पे काम कीजिए, टेबल को आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। कर लिया, उसका नॉलेज आपके दिमाग में है, ठीक है, और आप वही टेबल को एक्सप्लेन कर दो कि कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल लेना चाहेगा, उसकी इनकम 15 रुपए है, वो अपने इनकम को एक एक रुपए कर करके वो खर्च करेगा, अगर वो फर्स्ट रुपीज खर्च करता तो यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, और यहाँ से इतना मिल रहा है, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाना है, उसको इक्विलिब्रियम पे जाना है, तो वो एक्स कमोडिटी को बाय करेगा। तो आप ये लिखने के लिए आपके पास में बहुत कुछ आ जाएगा। इन दिस वे द कंज्यूमर प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप एंड स्पेंड ईच रुपीज ऑफ हिज इनकम टू इट्स बेस्ट अवेलेबल यूज। ये बात समझ में आपको? आगे आगे क्या कह रहा है? द कंज्यूमर विल स्पेंड हिज रुपी ऑन वाई सो ऑन, वन बाय वन ऑफ द कंज्यूमर ऑल द बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी एंड अल्टीमेटली एंड्स अप इन सिचुएशन वेयर द लास्ट रुपी ब्रिंग इन द सेम यूटिलिटी। क्लियर है? सिक्स, वेदर द एक्स वाई और जेड, लास्ट के तीन कॉइन को खर्च करोगे तो तीनों से जो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, जिसको मैंने क्या लिखा, सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम एक्स यूनिट, सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम वाई यूनिट एंड सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम जेड यूनिट। क्या होगा? इक्वल होगा। लास्ट रुपी ब्रिंग इन द सेम, ठीक है ना, इंक्रीमेंट ऑफ यूटिलिटी व्हेन स्पेंट ऑन एनी गुड, टोटल यूटिलिटी फॉर आ गिवन इनकम इज मैक्सिमाइज एंड वी से दैट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया नहीं है आपको? वही सब बातें कह रहा है कि एक्स से इतना मिला, इससे इतना मिला, खैर कैलकुलेशन में गलती हो गई, वन, अच्छा वाई जेड, टोटल कितना मिला हमारे पास में, 139 मिला है। ठीक है जी? इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑफ एनी थ्री कमोडिटी ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज टोटल यूटिलिटी बी लेस देन द 139, अगर वो किसी और ऑर्डर में खर्च करता है तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल उसका 139 से क्या मिलेगा, कम रहेगा। तो वही बातें कह रहे हैं, अगर आप लास्ट में क्या कह रहा है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ जेड, लास्ट के लास्ट में तीनों में मैच हो गया था तो कंज्यूमर वहां पर इक्विलिब्रियम में आ गया था, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, उसकी इनकम भी पूरी खर्च हो गई थी। ठीक है, उसी चीज को यहां पर लिख रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हाँ, अब यहां पर अगर हम सवाल एक जरा देखें कि मान लो, सपोज मुझे एक बार बताइए जरा पहले, ये एमयू एक्स क्या है ऑफ एक्स कमिटी, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल है एक्स से जो आपको मिल रहा है, और पी एक्स क्या है, एक्स का प्राइस, मतलब एक्स पर आप जितना खर्च कर रहे हैं अगर आपको उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन पर मिल रहा है, एक्स पर आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन पर मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, लोगे नहीं लोगे, कंज्यूम करोगे, तो अभी आप एक्स का कंजम्पशन कंटिन्यू रखोगे। समझे? तो क्या कहता है, सपोज एमयू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स एज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द वन मोर यूनिट इज द ग्रेटर देन इट्स प्राइस, कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स, कंज्यूमर ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन करेगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इस क्वेश्चन का आंसर किया था कि कंज्यूमर कितनी यूनिट कंजम्पशन करता है, जब वो पे करता है प्राइस और जब उससे सेटिस्फेक्शन दोनों इक्वल है, अगर कंज्यूमर पे ये कर रहा है और प्राइस प्राइस अगर पे लो कर रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल ये मिल रहा है, तो आगे और वो और कंजम्पशन करेगा, जैसे 2 प्लेट गोलगप्पे आपको अगर ऑफर हो जाते हैं तो आप 4-5 प्लेट खाने लग जाओगे, भले अगले प्लेट से आपको कम मजा आ रहा है बट आप 2 रुपए से कंपेयर करोगे तो ज्यादा ही है, आप कंज्यूम करोगे, थर्ड प्लेट भी आप लगवा लोगे, 4 भी आप लगवा लोगे, क्योंकि जो आप पे कर रहे हो उससे ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा गिरते 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 कि आपके 2 रुपए के बराबर आ जाएगा, उस समय भी आप हाथ जोड़ लोगे। लेकिन अगर वही 20 रुपए प्लेट होते तो 1 प्लेट आप खाते, भले अगला प्लेट खाने का मन हो रहा है लेकिन अपने घर चले जाते हैं, क्यों, अगला मुझे पे 20 रुपए करना पड़ेगा बट सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होगा तो मेरे पेमेंट से कम होगा मैं स्टॉप कर दूंगा। तो बेसिकली कंज्यूमर कब तक कंजम्पशन करता है, जब तक कि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल और जो पे कर रहा है उसके लिए प्राइस दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं रुपीस में। बट यहां पर क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिल रहा है और प्राइस कम है, तो कंज्यूमर तो और ज्यादा कंजम्पशन करेगा ही करेगा। समझे? क्लियर है? हाँ जी,
अब डिमांड कर्व का डेरिवेशन कैसे होगा उसको समझते हैं हम। देखिए जी, सबसे पहले मैंने एक आपका मार्जिन यूटिलिटी मैंने कर्व बनाया है, और मैंने साथ साथ क्या बनाया आपका डिमांड कर्व बनाया। सबसे पहले ये आपका मार्जिन यूटिलिटी है। अब मार्जिन यूटिलिटी किस चीज को बताता है जरा बताइए, मार्जिन यूटिलिटी किसी को बताता है? ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। बताइए एमयू क्या बताता है? सेटिस्फेक्शन लेवल को। और नीचे क्या है? क्वांटिटी है कि आप एक्स क्वांटिटी की वन क्वांटिटी, एक्स की टू क्वांटिटी, एक्स की थ्री एंड एक्स की फोर, ये क्वांटिटी है नीचे एक्स क्वांटिटी की। आपको पता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो क्वांटिटी पर, ज्यादा क्वांटिटी का कंजम्पशन करने पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहता है या लो पर हाई रहता है? अगर आपके एक आइसक्रीम पर सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा रहेगा या 10वें आइसक्रीम पर ज्यादा रहेगा? फर्स्ट पे ज्यादा रहेगा, है ना, 10 पे तो डाउन हो जाएगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं क्या कि आपके पास में आप एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अगर आप एक और कंज्यूम करते हो तो नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिल रहा है? अगर आप एक और कंज्यूमशन करते हो तो नेक्स्ट क्या मिलेगा? अगर आप एक और कंज्यूमशन करते हो तो नेक्स्ट और कम मिलेगा। समझे नहीं समझे? और एक टाइम पर ऐसा आएगा कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा ही नहीं। जब आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो चुके होंगे तो आप कंजम्पशन का कोई फायदा नहीं है। खाना खाते खाते एक टाइम पे रोक देते हैं ना कि अब हम और नहीं खाएंगे, मतलब क्या है, पूरी तरह सेटिस्फाइड हो चुके हैं, उससे अब हमें जीरो सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। क्लियर है जी, समझे? और अब बात करते हैं हम डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व में क्या बताता है कि ये प्राइस है, और आप डिमांड कर्व के बारे में अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं, नहीं समझते तो कोई बात नहीं। क्या कहता है कि अगर प्राइस हाई होगा तो आप लो क्वांटिटी लोगे, कम क्वांटिटी लोगे, और प्राइस अगर कम होगा तो ज्यादा क्वांटिटी लोगे। तो प्राइस अगर आप देखें यहां पर, तो प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी कम है, प्राइस कम हुआ तो ज्यादा ले रहे हो, प्राइस और कम हुआ तो ज्यादा ले रहे हो। अब बेसिकली इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? पहले तो मैंने आपको समझाया कि एमयू कर्व कैसा है, डिमांड कर्व कैसा है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है। देखिए, जब आप हाई प्राइस रख रहे हैं टॉप लेवल का हाई प्राइस पीएक्स, ये प्राइस पे कर रहे हैं आप, तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी कहां तक आप रखेंगे? इतना ही तो सेटिस्फेक्शन लेवल रखेंगे आप, मानते हो नहीं मानते हो? उससे नीचे तो आप नहीं जाओगे सेटिस्फेक्शन में, आप आगे यूनिट कंजम्पशन नहीं करोगे, क्योंकि प्राइस आपको यही पे करना पड़ेगा, बट सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो जाएगा, वो आपके लिए लॉस है। तो इसलिए देखिएगा, जब प्राइस हाई है तो कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन लेवल भी हाई रख रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इतना सेटिस्फाइड कंज्यूमर सिर्फ इतने सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए वो ये प्राइस पे करने के लिए रेडी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल अगर उसका कम होगा तो उसके लिए वो कम प्राइस पे करने के लिए रेडी होगा, अदरवाइज वो बाय नहीं करेगा। सेटिस्फेक्शन लेवल अगर उसका और कम होगा तो उसके लिए वो और कम प्राइस पे करने के लिए रेडी होगा। और इस प्राइस पर डिमांड क्या होगा, इस प्राइस पर डिमांड क्या होगा, इस प्राइस पर डिमांड क्या होगा, तो सेटिस्फेक्शन लेवल, मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब प्राइस हाई होता है तो कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर सकता है, क्योंकि हाई प्राइस पे सेटिस्फेक्शन लेवल भी उसको हाई रखना पड़ेगा, और ज्यादा कंजम्पशन से वो डाउन होगा, लॉस होगा, तो उसको कम यूनिट का ही कंजम्पशन करना पड़ेगा। प्राइस अगर लो होगा तो कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को नीचे तक लेकर के जा सकता है, तो इसलिए वो ज्यादा यूनिट का भी कंजम्पशन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो हाई प्राइस पर कम क्वांटिटी और लो प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी कंजम्पशन कर रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। क्लियर है जी, कि जैसे ही कंज्यूमर के पास में एमयू वन, सिर्फ और सिर्फ वो पी वन पर करेगा, पी वन प्राइस पर ये रखेगा, पर जब उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होगा तो फिर वो पी वन प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं होगा, फिर वो पी टू पे करने के लिए रेडी होगा। अगर देना दो नहीं तो अपने घर जाएगा। प्राइस सेटिस्फेक्शन में और डाउन होगा तो अब वो ये पे करने के लिए रेडी होगा। तो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से प्राइस में भी चेंजेस आ रहा है, और उस प्राइस के हिसाब से डिमांड में भी चेंजेस आ रहा है। ये बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है जी, कोई डाउट? तो ये बात आपको पहले क्लियर हुई कि किस तरीके से मार्जिन यूटिलिटी की हेल्प से हमने डिमांड कर्व का डेरिवेशन दिया है। ठीक है जी, हाई प्राइस, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाई लेवल ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, एंड लो प्राइस, लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये चीज तो हो नहीं सकता ना, होगा सेटिस्फेक्शन लेवल कम मिल रहा है, पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, होगा ये नहीं? हमेशा कंज्यूमर क्या रखेगा, एमयूएक्स ये रखेगा कंज्यूमर हमेशा। तो ये हाई प्राइस पर सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई रखने के लिए कम्युनिटी का कंजम्पशन करता है, ठीक है, और लो प्राइस पर सेटिस्फेक्शन चला जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो ज्यादा यूनिट का भी कंजम्पशन कर सकता है। समझे? तो
तो हाई प्राइस पर हाई सेटिस्फेक्शन लेवल, वो कम यूनिट पर ही मिलेगा, ठीक है। लो प्राइस पर सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम कर सकता है, तो इसके लिए उसको ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और लो प्राइस पर और सेटिस्फेक्शन को लो कर सकता है, तो इससे अगर वो और ज्यादा कंजम्पशन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे नहीं समझे आप? क्लियर है जी? तो यहां तक हमने, यहां तक हमने इस चीज को पढ़ लिया है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और कोई डाउट होगा तो प्लीज उस चीज को आप जो है एक बार पूछ लीजिएगा। आपके पास में कांटेक्ट नंबर एक है ही, जो कि आपने जब ऐप इंस्टॉल किया था तो आपके पास में कॉल भी आया होगा, तो आप प्लीज उस कॉल पर, उस कांटेक्ट नंबर पे आप फोन कर करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। किसी बच्चे को डाउट होगा, लेकिन आपने टॉपिक प्रॉपर लिखिएगा कि मुझे डाउट यहां पर है, सिर्फ डाउट है नहीं, मुझे इस चीज में डाउट है, ये चीज समझ में नहीं आई, तो उस चीज को मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, लो प्राइस पर ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल नेहा गुप्ता मिल सकता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आप घर के बाहर निकलते हैं क्लास के बाद और आपको 2 रुपए में एक अच्छी सी ऑफर हो जाती है, तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। आप भले ही आपका प्लान नहीं था, तो आप फटाफट उसको लेकर कंजम्पशन कर लोगे, और आपको 2 रुपए से ज्यादा मजा उससे आएगा भी आएगा, लेकिन आप फिर भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आप सोचोगे 2 रुपए का ही तो है, अगला भी ले लें। तो जब आपको प्राइस से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है, तो आप अपने कंजम्पशन को कंटिन्यूसली कंटिन्यू टिल जब तक रखते रहते हो, जब तक आपको प्राइस के इक्वल सेटिस्फेक्शन लेवल ना आ जाए। तो यहाँ पर आप लो प्राइस पर आपने ज्यादा यूनिट का कंजम्पशन कर लिया। लो डिमांड भी यही कहता है कि लो प्राइस पर ज्यादा डिमांड का कंजम्पशन होता है, ठीक है। और ये आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज ऑफ लो ऑफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझे? ठीक है जी। बैटरी डाउन कहाँ की हुई है? अच्छा, ठीक है जी।